सो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त खाते होंगे। यार आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठ गया हूं मैं, क्योंकि मुझे जाना है आज लाइट की फिटिंग में। तो यार जाना भी यहां से लोड है, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम से अगर चला गया तो टाइम से वापस भी आ जाऊंगा। एंड आज मैंने मम्मी पापा के लिए एक सरप्राइज चूज किया है, कुछ तगड़ा सा देने की। तो यार होप करता हूं कि वो आज ही कंप्लीट हो जाए। अगर आज कंप्लीट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, स्पेशली पापा जी को देना है सरप्राइज। चलो फिलहाल तो मैं पूजा पाठ करता हूं और रेडी होकर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग बेबी, क्या चाल है। हेलो ब्रो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है, आप करते बढ़िया आलू के पराठों का ब्रेकफास्ट, जो कि प्योर देसी घी में बने हुए हैं। बहुत मस्त खुशबू आ रही है यार, लिटरली देखो इसने तो नाक भी ऊंचा कर दिया खुशबू से। प्यारी समझ गई मम्मी, इसके लिए भी लाओ यार। तो यार अभी बारिश थोड़ा सा बंद हुई है, तो फटाफट से निकल लेते हैं। बस जो बस आती है उसमें निकल लेता हूँ। तो बस आ चुकी है, चलो चलते हैं। तो फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं, अब मैं पहले जाता हूं सरप्राइज वाले के पास, अपना काम करवाता हूं। तो यार मेरा सरप्राइज वाला काम नहीं हो पाया, फिर मैं आ गया यहां पे कायम भाई की शॉप में। कायम भाई भी गए हैं, पता नहीं कहां गए। तो मैं इधर आया था कुछ देखने के लिए कपड़े वगैरह, मैंने कहा कुछ मस्त मस्त आए होंगे तो ले लेंगे, बट कायम भाई गायब है यहां से और ये बच्चों को बैठा रखा है, ये कार वार चला रहे हैं यहां पे, बस हो गया। तो यार फाइनली मैं पहुंच चुका अपनी लोकेशन के पास, और सरप्राइज वाली बात जो थी ना मैं बताता हूं आपको। मैंने सोचा था कि मम्मी पापा और अपनी जो है एनिवर्सरी के दिन जो मैंने फोटो ली थी ना उसका फ्रेम बना के दूं। मैंने मार्केट में पता किया बट वहां पे छोटे छोटे फ्रेम्स थे तो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं चाहिए आप ऑनलाइन मंगाऊंगा और तब जाकर उनको सरप्राइज दूंगा। अरे यार ये तो मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं जो भी था। तो फिलहाल मैं जिस लोकेशन पे हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे कैसा सीन है। तो ये देखो भाई यहाँ की लोकेशन कितनी ज्यादा अमेजिंग है। ये है लोध से 3 किलोमीटर पहले जुबुल चौरा, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है देखो, यहाँ से सोमेश्वर कौसानी 17, सोमेश्वर 4 किलोमीटर। तो अब चलते हैं, मामा भी पहुँच गए होंगे। और मैं देखो ऐसे बन के आया हूँ, लोग मुझे मार्केट में ऐसे देख रहे थे ना कि महंगा ब्लॉगर हो के ऐसे बन के घूम रहा है, उनको क्या पता यार भाई साइड से मेहनत भी करनी पड़ती है और जगह काम तो चल रहा है यार, यहीं पर ही होंगे शायद। और यार ये वाला बैंड थोड़ा सा बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो यहाँ पे संभल के जाना पड़ता है यार। तो ये है भैया जुबुल चौरा स्कूल का गेट, यहीं से अंदर जाना है अपने को। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है मकान का, और ऊपर ही पे ही है देखो स्कूल भी। तो चलते हैं यार, अभी बहुत टाइम लगता है इसमें, हमको शाम भी हो सकती है। 3 रूम्स हैं, 1, 2 और 3, और तीनों की पहले हमको पूरी वायर खींचनी है, बाकी तो सब काम हो चुका है। देखो यहाँ से वायर खींचनी है तीनों कमरों की, उसके बाद फिर लाइटिंग करनी है, इसको बंद भी करना है, इसको चालू भी करना है आज। तो बहुत टाइम लगने वाला है, फटाफट से काम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ आते भी हमें चाय मिल चुकी है, तो अब चाय पी रहे भाई, एक मैंने डब्बा खोल दिया है, अभी 2 और है, पहले चाय पी लेते हैं। यहाँ पे सबसे खूबसूरत वो देखो देवदार के पेड़ लग रहे हैं, मस्त जबरदस्त। देखो हमारे इधर को होते नहीं आने वाले, कितने मस्त लग रहे हैं देखो। ये है दोस्तों स्टील वायर, ये जो है वायर खींचने के काम आती है, जहाँ पे वायर फंसती है, और अंडरग्राउंड में खासकर यही काम आती है, तो हम इसे वायर खींचेंगे अभी। देखो ये काम बहुत किया यार, एंड मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था, वो पूछा था कि भाई अपना लाइट वाला काम दिखाना, तो आज दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3। तो ये देखो भाई ऐसे निकलती है अंडरग्राउंड वायर। तो अब उस वायर को जो हमने खींची थी उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये है मेन, यहाँ पे जो सर्किट लगता है ना एमसीबी बंद ऑफ करने वाला ऑन ऑफ, वो लगेगा यहाँ पे। तो अब उस वायर को हम यहाँ पे खींचेंगे एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे उसको छोड़ देंगे। तो ये वायर देखो यहाँ पे पहुंच चुका है, अब यहाँ से इस पे जो है सप्लाई जाए, और उससे इस वाले रूम की लाइट चलेगी। तो हमने इतनी वायरिंग कम्प्लीट कर ली है, अभी और है। लव स्टील वायर। सो 2 रूम्स हो चुके हैं कम्प्लीट, अब रह चुका है तीसरा। तो दोनों में हमने बाहर भी डाल दी देखो लाइट, बढ़िया हो चुका है, अब बस ये रह गया। और फिलहाल हमने इसको बंद इसलिए किया क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लंच करने, और यार मेरी फिलहाल हालत देखो, पूरे कपड़े वपड़े ऐसे हो गए हैं बिल्कुल गंदे बंदे, ऐसे मुझे घर भी जाना पड़ेगा वापस। कोई बात नहीं भाई, बस यार ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत चलती है चारों तरफ से, यूट्यूब भी देखना है, काम भी देखना है ना, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो इसलिए सभी से कहता हूँ कि मेहनत करो, कभी भी मतलब ना ये मत सोचो कि मतलब कि गिवअप नहीं करना, कभी भी यार मेहनत करनी है, चाहे एक जगह करो, 2 जगह करो, करो अपने अपने अकॉर्डिंग करो, मतलब ये नहीं कि दोनों जगह मेहनत करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ वहाँ भी कर रहा हूँ यहाँ भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि YouTube से उतना अर्न नहीं हो पा रहा है ना, बट मेरे को मोबाइल की किस निकाल, तो मुझे आउटसाइड भी अर्निंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, और दोनों चीज़ों को मेंटेन कर रहा हूँ बराबर। तो मतलब मेरे को ना कुछ भी नहीं रहता, जैसे मेरे को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरे को कोई ऐसे देखेगा तो क्या करता है यार ये तो ब्लॉगर है, बट नहीं अपने कोई दिक्कत नहीं भाई, स्टार्टिंग से यही काम किए हैं। अगर मैं मिलियंस में भी गया तभी मैं आप लोगों को ये काम करता हुआ नजर जरूर आऊंगा, देख लेना। तो यहाँ पे ये दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है, बोले कुत्ता दिखाओ। तो हमने लंच कर लिया है, तो अब जो है करते हैं काम स्टार्ट सेकंड। तो एक फ्रेंड ये भी है देखो, कितना छोटा सा प्यारा सा है। तो 3-3 फ्रेंड बना लिए मैंने यहाँ पे आके, लाओ मुझे दो मुझे दो मुझे दो, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना छोटा छोटा। कितना क्यूट सा है यार ये, इसको मैं ले जाऊं अपने घर? तू ले जाओ। क्यों नहीं ले जाऊं, मेरा है वो।
लो। तो देखो मैंने आपने लेकिन मस्त जुगाड़ बना रखा है, यहाँ पे बैठा हूँ मस्त, देखो बैठने वाली सीढ़ी बना रखी है, मस्त बैठा हूँ और यहाँ से तार दे रहा हूँ। तो इतनी तारें हो चुकी हैं भाई, अभी दो तारे वहाँ डलेंगी और दो तारे वहाँ, बाकी सब यहाँ। तो अभी इसमें और तारे इकट्ठा होंगी, फिर जाके एक सर्किट कम्प्लीट होगा। तो दोस्तों तीनों कमरों में वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हमने यहाँ पे सीट भी लगाना स्टार्ट कर दिया, होल्डर लग चुके हैं, बस एक आध घंटे में हम इसको जो है ऑलमोस्ट निपटाई देंगे। ऊपर भी होल्डर लग गए हैं, सीट भी रेडी हो चुकी हैं, बस कनेक्शन करने हैं और टांगना है। तो बस चलो फटाफट से करते हैं इसको, निपटाते हैं। तो कुछ इतने तारों से जाके आपके घर की लाइट जलती है, देखो अभी तो ये तो नॉर्मल ही है, मैंने तो मतलब इसके दुगने तिगुने तार भी डाले हुए भाई, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना टफ पड़ जाता है। तो दोस्तों फाइनली हमने जो है बोर्ड भी लगा दिए और ये कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं देखो, और इस रूम का तो प्रॉपर सारा काम हो चुका है, और इसके पल्ली वाला जो रूम है इसमें भी हमने सारे बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं एंड सब कुछ हो चुका है। एक ऊपर बस फैन सीट लगनी है, तो सारा काम ये भी कंप्लीट। ये बच्चे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ हैं? ये तो स्पेशली जब से मेरे को पहचान रही है ना, तब से मेरे पीछे पड़ गई है। चलो चलो छोड़ो, ये बच्चे ऐसी शरारती क्यों होते हैं मुझे समझ भी नहीं आता। सो गाइस फाइनली यार हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, हमने पूरे घर की मतलब तीन जो स्टोर थे दुकान उन सबकी फिटिंग भी कर दी, मतलब उन्होंने वायर भी डाल दी और उनकी सीटें भी लगा दी, उनके होल्डर वगैरह सब कुछ फिट कर दिए। बस जो है अब मामा कल को आएंगे तो एमसी भी लगाएंगे एंड उसको चालू करेंगे, बिकॉज एमसी भी नहीं थी तो हम लोग ना लाइट भी चालू करके चले आते। तो फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 6:30 और अब मैं निकलता हूँ घर। एंड यार मेरे को एक चीज याद आई कि मैं सुबह का सरप्राइज तो नहीं दे पाया, सरप्राइज बता भी दिया तो वो लीक भी हो चुका है, इसलिए मैं पापा की एक फेवरेट चीज पापा को गिफ्ट करूंगा जो पापा को बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैं चाहूंगा कि पापा को वो दूं, देखते हैं पापा कितने खुश होते हैं। तो चलिए जी चलते हैं। तो भाई अभी मैं छोटू भाई की दुकान पर आ गया हूँ और ना यहाँ हो गया रात भाई, मेरे को नहीं मिल रही कोई गाड़ी, काम हो चुका परेशान होकर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, देखते हैं यार कब तक आती है गाड़ी। तो फाइनली यार गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और घर पहुंचा हूँ भाई 9:30 बजे। तो तब तक मैं बैठा हुआ था मार्केट में, ये तो है कि यार हाँ अपनी पहचान है तो सबसे साथ रुक जाओ, तो मार्केट बैठा हुआ था, उसके बाद फिर कोई भाई मिल गए थे मुझे, तो यार मैंने उनसे बोला छोड़ने को तो उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर आज अभी घर पहुंचे हैं बस। अब जो है भाई खाना वाना खाता हूँ एंड फिर एडिटिंग करता हूँ, दिन भर थकान भी हो गई है और जैसा व्लॉग बनाऊंगा आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने बहुत मेहनत करी क्योंकि मेरे को काम भी था वो भी था, दोनों चीज मेंटेन करनी थी ना, तो इसलिए अभी बाकी व्लॉग कैसा लगा यार ये जरूर बताना। तो इस व्लॉग को करता हूँ खत्म, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, बड़े तो बड़े चैनल नहीं आज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, गुड नाइट।